ऐसा पहली बार देखा गया है कि पुतिन जंग में आपा खो बैठे हैं। भयंकर गुस्से में पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ परमाणु जंग छेड़ दी है। पुतिन का साफ आरोप है कि यूक्रेन के कुसर्क में यूक्रेनी सेना ने उसके परमाणु संयंत्र में धमाका करने की कोशिश की है। पुतिन ने यहाँ तक साफ कर दिया है कि रूस अब चुन चुन कर उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं। कुर्स्क में परमाणु टारगेट, आधी रात पुतिन का बदला। जब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे थे कि लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन ने रूस के 6 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, उस वक्त भी पुतिन को गुस्सा नहीं आया। जब यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कुर्स्क इलाके में लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है, तब भी पुतिन ने यूक्रेन के दावों की परवाह नहीं की। जब ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना रूस पर अमेरिकी बमों से हमला कर रही है और जल्द ही मॉस्को को टारगेट करेगी, तब भी पुतिन ने रत्ती भर परवाह नहीं की। लेकिन 21 और 22 अगस्त की आधी रात को रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने कुछ ऐसा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने आधी रात में ही दुनिया के सभी सुपर पावर देशों को धमकी दी है कि अगर रूस को परमाणु जंग से खत्म करने की कोशिश करोगे तो ऐसे हर देश को रूस धरती से मिटा देगा। ज़ेलेंस्की का परमाणु मिशन, भयंकर गुस्से में पुतिन। लगता है 900 से ज्यादा दिन की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग अब परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हम आपको पूरी खबर फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि क्यों रूस अब एटमी युद्ध करने के लिए मजबूर होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एनिमेशन के जरिए ये देख लीजिए कि 21 और 22 अगस्त की रात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने कुर्स्क में मौजूद रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को धमाके से उड़ाने के लिए क्या किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर बहुत बड़ी परमाणु साजिश का आरोप लगाया है। खबर के मुताबिक रूस के कुर्स्क में परमाणु ऊर्जा स्टेशन को यूक्रेन ने उड़ाने की कोशिश की है ताकि रूस का कुर्स्क इलाका परमाणु धमाके में तबाह हो जाए। जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। रूस का दावा है कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है। दावा यहां तक किया गया है कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आधी रात टारगेट किया गया था, लेकिन रूस के खुफिया एजेंट और सैनिकों ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि अगर यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में धमाका कर देते तो रूस का कुर्स्क इलाका पूरी तरह से भस्म हो जाता। यूक्रेन की इस परमाणु साजिश के बाद पुतिन भयंकर गुस्से में आ गए हैं। Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают прислать, сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. राष्ट्रपति पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को लिखित में और सबूतों के साथ जानकारी दी है कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाने की कोशिश की है। पुतिन ने टेलीविजन पर कहा कि दुश्मन ने रात में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला करने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सूचित कर दिया गया है। अभी तक कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 35 किलोमीटर दूर जंग हो रही थी, लेकिन अब कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर हमला करने की कोशिश की गई है। पुतिन का दावा है कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर यूक्रेन के ड्रोन के कई टुकड़े मिले हैं जिन्हें रूसी सेना ने मार गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी के मुताबिक कीव की सेना द्वारा किए गए आक्रमण के बाद कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की अग्रिम पंक्ति में आ गया है। यूक्रेन के तोपखाने की रेंज में एटमी संयंत्र आ चुका है और अब यूक्रेन उसे टारगेट कर रहा है। Наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція в Курській області –
та майже вже щоденні удари по російським військовим об'єктам – все це наш системний шлях захисту України. Парману джанг кі тайярі. Дхул ме мил джаєга НАТО. रूस ने पुतिन की इस परमाणु साजिश के बाद से अंधाधुंध हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने कुर्स्क में घुस आई यूक्रेनी सेना पर ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और तोपखाने से बड़े हमले शुरू किए। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए वीडियो को देखिए। लैंसेट अटैक ड्रोन द्वारा एक यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो में जोरदार धमाका होता है और यूक्रेनी टैंक तबाह हो जाता है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सेना कुर्स्क में फंस चुकी है और रूसी सेना चारों तरफ से उसे घेर कर मार रही है। इसीलिए यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क एटमी संयंत्र को टारगेट बनाया ताकि रूस को डराया जा सके, लेकिन हकीकत में पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ 32 नेटो देशों को एटमी धमकी दे डाली है। दावा किया जा रहा है कि रूस नेटो के 32 देशों से एटमी जंग कर सकता है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं पुतिन की एटमी जंग का सबसे पहले शिकार कौन कौन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के रूस ने टैंकों के 32 देशों को एटमी जंग की आखिरी धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के चक्कर में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है जिसमें घातक परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 72 मिनट तक परमाणु जंग हो सकती है जिसमें 5000 से ज्यादा परमाणु बम इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए पूरा यूरोप और अमेरिका भस्म हो सकता है। पुतिन के परमाणु हमलों का पहला शिकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा वॉर गेम दुनिया का विनाश कर देगा। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. पुतिन की परमाणु जंग की तैयारी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने पहले चरण में परमाणु जंग में सक्षम किंजल और इस्कंदर मिसाइलों से अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना दक्षिणी सैन्य जिले में परमाणु जंग की तैयारी कर चुकी है। यही वजह है कि अब उस दावे की दहशत पूरी दुनिया पर छाने लगी है जिसमें दावा किया गया है कि तीसरे विश्व युद्ध की 72 मिनट की परमाणु जंग बहुत भारी पड़ने जा रही है। जरा इस एनिमेशन से एटमी जंग को समझने की कोशिश कीजिए। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। पुतिन का साफ कहना है यूक्रेन जंग अब रूस के वजूद से जुड़ चुकी है जिसके चलते अब रूस परमाणु जंग करने को मजबूर हो जाएगा। наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил. Совершенствуется военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи наших границ. इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पुतिन की आखिरी जंग, 72 मिनट, 300 करोड़ मौत। 72 मिनट में धरती ध्वंस कैसे हो सकती है ये समझिए। रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। न्यूक मैप के अनुमान के मुताबिक इससे पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। इसके बाद 25 से
50वें मिनट में धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे। यूएस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणु हमले शुरू कर देंगे। यूएस और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमले कर देंगे और चीन भी पलटवार करेगा। रूसी गठबंधन का देश नॉर्थ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 50 से लेकर 72वें मिनट तक महाविनाश होगा, यानी इन 22 मिनटों में धरती पर 5000 परमाणु धमाकों का अनुमान जताया जा रहा है। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा। हैरानी की बात तो ये है कि पीएम मोदी जेलेंस्की से मिलकर युद्ध को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यूक्रेन की एटमी साजिश ने पुतिन को भयंकर गुस्सा दिला दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन से कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र का बदला कैसे लेता है।